Now I think I can manage to jump back into the regular TV shows in which I can give my full potential, full 100% to it. Yes, life obviously has taken a U-turn. अगर मैं सेट पे भी हूँ तो मैं अपनी एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन में भी थोड़ा थोड़ा अपने इनपुट दे रहा हूँ. थैंक यू सो मच. आफ्टर लॉन्ग आई मीटिंग जूम, आफ्टर लॉन्ग आई मीटिंग यू. थैंक यू सो मच. क्या चल रहा है? चल बहुत कुछ रहा है यार, और ऐसा चल रहा है बहुत कुछ जो कि मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता. इसलिए यस, लाइफ ऑब्वियसली हैज टेकन अ यू टर्न और मे बी अ डिफरेंट टर्न आफ्टर कोविड. नॉट ओनली इन माई लाइफ बट इन एवरीबडीज लाइफ. तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी. सो यस, during covid I started my business. I took a little break from acting so that I could concentrate on something which should be my backup, and I started my own clothing line. To us pe thoda dhyan chal raha tha do saal se in fact, and uske beech dauran main thoda bahut acting work bhi kiya, music videos kiya, short films kiya, but now I think I can manage to jump back into the regular tv shows in which I can give my full potential, full 100% to it, so that my two things are working simultaneously. So yeah, that's it. Just a little brief jo ek do saal teen saal se chal raha hai. Chaliye jo ki aap ki duniya mein gaye hain acting se, thoda sa describe kariye kaise man mein aaya aur kaise aapne isko apna second profession banane ka socha. Yaar maine hamesha socha tha ki yaar acting ke bharose to nahi baithna chahiye. Ek hamesha har kisi ke paas ek passive income hona chahiye aur ek backup hona chahiye. Living in a city like Bombay, you can't just rely on one business, you have to have multiple sources of income. मेरा हमेशा से finances पे हमेशा से रुचि रही थी, तो मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ शुरू करते जो कि मुझे ही पसंद है. फैशन आई लव, सो मी एंड माई फ्रेंड स्टार्टेड दिस बिजनेस टुगेदर, एंड टच वुड इज़ गोइंग लिटिल वेल. एक्टिंग येस, आई एम एन एक्टर. मेरा नींव वही है, तो मैं एक्टर तो हमेशा ही रहूँगा. एक entrepreneurship एक अपना लिए जो भी साथ साथ चल रही है. एंड येस, जस्ट the only thought of starting something else is because I want to have something else which I can think upon also. Agar kabhi show nahi bhi chal raha, kuch nahi hai, to there is something to look upon to. I don't want to sit idle. If I sit idle, I become very restless. Yaar kuch nahi ho raha ki yaar party karo, ye karo, isse acha busy raho. Busy rahenge, tumhara dimag sane rahega, ghar acche se chalega. Yeah, bahut achhi baat hai, lekin ek insaan ko ye do do cheeze manage karna, you know, ek hi cheez sambhali nahi jati hai. या मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है. सच्ची बताऊँ, मैं दो के मैं पांच चीज़ें संभाल लूँ. आई थिंक एस्ट्रोलॉजिकली ऑल्सो आई एम नंबर 8, एंड दे से दैट वो थोड़े रेस्टलेस होते हैं, उनके टांग में स्प्रिंग होता है, तो ऐसा कुछ बोलते हैं जो एस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह. बट आई थिंक आई कैन हैंडल मल्टीपल थिंग्स. आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. अगर मैं सेट पे भी हूँ तो मैं अपनी एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन में भी थोड़ा थोड़ा अपने इनपुट्स दे रहा हूँ, या फिर मैं थोड़ा अपने आर्ट डायरेक्टर साथ बैठा उससे थोड़ा समझ रहा हूँ. तो मेरा एक ना कुछ चलता रहता है. आई वॉन्ट टू गेन मोर नॉलेज एक्चुअली. इज नॉट दैट कि मेरे को काम करना है, बट अगर मैं डायरेक्शन की थोड़ी नॉलेज ले लूँ या आर्ट डायरेक्टर की नॉलेज ले लूँ, तो मेरे को कहीं से भी नॉलेज मिलती है मैं बटोर लेता हूँ, और उसको इम्प्लीमेंट करना है फिर वो मैं अपने तरीके से बाद में करता हूँ. चलिए रोहन से बात करें एक्टिंग की दुनिया में. रोहन का यार एक्चुअली मुझे भी पता नहीं चला कि मैं एक्टर कैसे बन गया और क्यों बन गया. आई वॉज हैप्पीली डूइंग मॉडलिंग इन दिल्ली, जस्ट बिकॉज आई हैड अ क्यूट फेस व्हेन आई वॉज 18-19. तो कॉलेज वालों ने बोला यार मॉडलिंग करो, चलो ठीक है. सो वो मॉडलिंग इतनी अच्छे से चल पड़ी दैट आई वॉज डूइंग मल्टीपल ब्रांड्स इन दिल्ली. आई डिड अ फोटोशूट फॉर वोडाफोन, देन एयरटेल, देन टाटा डोकोमो, हैप्पी डेंड. सो ये सब फोटोज रोटेट हो के किसी के पास बॉम्बे में पहुंच गई. आई रिमेंबर माई फर्स्ट कॉल इज फ्रॉम दिस फेयर ओरिजिन्स प्रोडक्शन, जिन्होंने बालिका वधू बनाया, कि कम फॉर अ लुक टेस्ट. तो आई टोल्ड देम दैट आई तो मैं तो यार दिल्ली में रहता हूँ, मैं तो उस टाइम पे आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, आई वॉज वेरी यंग. तो बोलते नहीं नहीं, वील पुट यू, वील गिव यू ट्रेन टिकट, एवरीथिंग, कम फॉर अ लुक टेस्ट. देन आई केम हियर. मैं अंधेरी के लोखंड वाला उनके ऑफिस गया. दे हैंडेड मी ओवर अ स्क्रिप्ट. पहली स्क्रिप्ट थी मेरी लाइफ की वो. तो मैंने इतना बकवास ऑडिशन दिया, इतना बकवास ऑडिशन दिया कि मैं खुद ही देख रहा था भाई क्या है, ये क्यों हो रहा है. और जो मैंने उन्होंने मुझे दिखाया बाकी लोग कैसे ऑडिशन दे रहे थे, देन इट वॉज अ रियलिटी चेक कि जितना तुम मॉडलिंग में अच्छा करो वो एक्टिंग में नहीं कर सकते. देन दैट टाइम
I was working in HCL Technologies. मुझे 10-11 महीने हो गए थे 9-to-5 वाली जॉब जो होती है. एंड दिस थिंग केम ऑन अ सैटरडे संडे. तो जब मैंने बहुत ही बकवास ऑडिशन दिया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार आई नीड टू डू समथिंग ऑन इट. एंड दैट वॉज द मोमेंट इट वॉज इट्स इट्स साउंडिंग वेरी फिल्मी बट दैट वॉज द मोमेंट आई रियलाइज दैट आई वॉन्ट टू वर्क ऑन इट एंड आई एम एक्चुअली नॉट एन्जॉइंग वॉट आई वॉज वर्किंग बैक इन डेली. तो मैंने सोचा थोड़ा एक बार ट्राई देते कि अगर मैं शायद कुछ कर पाऊँ. देन मैंने उसी मोमेंट पर अपनी जॉब छोड़ी. मॉम डैड को फ़ोन किया. आई डेंट इवन गो बैक. आई कॉल्ड माई क्लोथ्स बैक टू बॉम्बे. फ्रेंड के घर पर रहा. फर्श पर मैं एक दो महीना उसके साथ गद्दा बजा के सोया. टिल द टाइम आई फाउंड माई न्यू होम. एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स दैट गिव मी 3 months. नॉट इवन 6 months. नॉट इवन 1 year. गिव मी 3 months. इफ आई कैन डू समथिंग आई विल बी हैप्पी टू स्टे हियर. एंड टचवुड मेरे को ये नहीं कहूँगी मैंने मेहनत नहीं की. लेकिन मेहनत की लेकिन उसका फल जल्दी मिल गया. तो विद इन माई फर्स्ट मंथ आई डिड माई एड फॉर हेयर एंड केयर हेयर ऑयल. देन मैंने फिर एक ऐड की कोका कोला की ऐड की मैंने. तो उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ दिस इज़ वर्किंग. आई यूज़ टू गो टू एवरी ऑडिशन इन आराम नगर फोर बंगलो महाडा. लाइनों में खड़े होकर सब कुछ किया मैंने प्रॉपरली किया. बट देन ये सब कर करके एंड आई गॉट माई फर्स्ट एक्टिंग ब्रेक इन 6 months व्हेन आई मूव टू बॉम्बे. आई मूव इन फेब्रुअरी 2013. अक्टूबर 2013 आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक विद आशुतोष गोवारीकर. दैट वॉज एवरेस्ट. एंड दैट टाइम आई रियलाइज किया जिंदगी में कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे मैंने बचपन में पिछले जन्म में कि मुझे ठीक है मेहनत के बाद मिला लेकिन कम स्ट्रगल के बाद मिला. स्ट्रगल मेरी एक्चुअली उसके बाद शुरू हुई. तो या दैट आई गॉट माई फर्स्ट शो एंड इट वॉज अ बिग शो. आशुतोष गोवारीकर ए आर रहमान सब बड़े नाम थे. मैंने सोचा मेरी तो निकल पड़ी यार. बट देन हर शो अपनी किस्मत लेके आता है. हर एक्टर अपनी किस्मत लेके आता है. तो दैट वॉज द जर्नी आई स्टार्टेड बैक इन 2013 and we are in 2023 now. Almost 10 साल हो गए. I had my ups and downs. I started off good and थोड़ा बीच में रुकावटें आई फिर ऊपर उठे फिर रुके फिर गिरे फिर ऊपर उठे. And I think this the part and parcel of life. अगर तुम नीचे नहीं करोगे तो ऊपर ज़्यादा देर टिक नहीं पाओगे I feel. So yeah, that's a little journey of my life and still struggling and struggle should never end. नहीं तो बड़ी boring हो जाती life यार. जैसे आपने कहा कि ब्रेक मिलने के बाद स्ट्रगल तब शुरू हुआ. जाहिर सी बात है यही एक बड़ा चीज हम हर एक्टर का कहना है कि ठीक है आपका एक शो चलता है तो लोग आपको जानते हैं बट आपका जब शो बंद हो जाता है देन आपका स्ट्रगल शुरू होता है क्योंकि आपको काम नहीं मिलता. और फिर यू नो लोग कहते हैं आपसे लोग से मिलना बंद करते हैं कि उसके पास काम ही है जॉबलेस है ये सब चीजें आ जाती हैं. तो ये चीजों कैसे फेस करते हैं? नहीं एक्चुअली यू आर राइट यार. सब कहते हैं काम नहीं मिलता. कई कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो शो करते हैं एंड कहीं ना कहीं मेंटली काफ़ी लोग ऐसे हो जाते नहीं यार अब तो हम कुछ बड़ा करेंगे. बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू मूव वन स्टेप अहेड ऑफ लाइफ. इट्स नॉट दैट कि वो स्टैगनेंट रहना चाहते हैं. आज को कल को मैंने आज जी टी वी का शो किया मैं सोचूंगा यार मैं अभी कलर्स का शो करूँगा स्टार प्लस का शो करूँगा. मैं स्टार प्लस करके तो मैं बोलूँगा फिल्म करूँगा. आई डोंट वॉन्ट टू बी स्टे स्टैगनेंट इन लाइफ. बट कुछ लोग कुछ लोग की ज़िंदगी में होता है कि नहीं यार अच्छा है चल रहा है चलते रहे दो. एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ ट्रोलिंग what people troll on social media. Yeah, I think these are just rubbish people who can just say in aapke samne to aate nahi wo log karte rehte comments. Main ye nahi kahunga ki bura nahi lagta. Of course bura lagta hai. And jo log kehte hai ki unko bura nahi lagta unko bhi kahin na kahin lagta hi hoga. This is utter bullshit. But you can't just do something about it. Wo ek moment hoga 100 moment mein se ek moment hoga jab aapko bura lage. But 99% of the time even I avoid it. And you don't know, तुम लोग मेरा घर नहीं चला रहे यार. मैं अपना घर चला रहा हूँ. एंड अगर घर चला रहा हूँ तो कुछ ना कुछ करके ही चला रहा हूँ. सो दैट्स अबाउट इट. क्यों मुझे ना इस बात का बोल लगता है जॉबलेस तुम लोग भाई अपना काम करो मैं अपना घर चला रहा हूँ तुम्हारा घर तुम चला रहे हो. सो या आई फील दैट एवरीबडी इज़ वर्किंग हार्ड. नोबडी इज़ सिटिंग आइडल एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू रन देयर होम. सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द ट्रोलर्स कि वेन एवर यू से समथिंग मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता बट कभी ना कभी शायद किसी को फ़र्क पड़ जाए या मुझे भी फ़र्क पड़ जाए. क्योंकि हर बंदे का एक वीक मोमेंट आता है. एंड आपकी लाइफ में कोई वीक मोमेंट होगा जब आपको छोटी सी बात भी चुभेगी. हमारी लाइफ में भी ऐसे वीक मोमेंट्स आते हैं जब छोटी सी बात चुभ जाती है और वो छोटी सी बात चुभ के कभी कोई कुछ गलत कदम उठा ले. सो दैट कैन बी अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग फॉर एवरीबडी अराउंड देम और एवरीबडी अराउंड यू ऑल्सो. सो या दैट्स इट. एंड आई थिंक इट्स नॉट अबाउट वर्किंग और नॉट वर्किंग. इट्स अबाउट what you are working is good, should be good and people should remember you with that work. And I always whenever I choose my script or something I always give my 100%
मेरी तरफ से 100% होता है, किसी की तरफ से 10% हो या 20% हो, बट आई ऑलवेज गिव माई 100% टू इट। एक और चीज है इंडस्ट्री में, जब वो लोग स्ट्रगलिंग पीरियड होता है हर इंसान का, और वो हमने जिनसे भी बात की उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया कि इस इंडस्ट्री में एक कास्टिंग काउच जो है वो स्टार्ट से और हमेशा रहेगा, सब नहीं है बट है, उसको डिनाई नहीं किया। कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, आपने कभी इस चीज को फेस किया तो फिर आपने क्या किया? नहीं, मैंने सच बताओ तो यार, when it comes to interviews, वेरी ब्लंट, मैं जो मन में आता बोल देता हूँ, मैं छुपाता नहीं कि नहीं इंटरव्यू के लिए ये बोलना या ऐसा नहीं बोलना, बट सीरियसली मेरी लाइफ में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई वुड स्टिल से कि मेरी मॉडलिंग जब मैं शुरू में किया था, मैंने व्हेन आई वाज 19 और 20 इयर्स ओल्ड, तब मेरी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, बट एक्टिंग में टच वुड नहीं हुआ अभी तक यार। और आई हैड ऑलवेज मेट गुड पीपल व्हेन आई वर्क्ड मॉडलिंग के टाइम पे, येस आई हैड फेस समथिंग लाइक दैट, बट इट वॉज वेरी इजी फॉर मी टू इग्नोर एंड ब्लॉक पीपल लाइक दैट, because it was just a matlab it was a ramp show of some I don't know some Talkatora stadium 10 saal pehle ki baat hai yaar, so like nahi nahi aisa to hota hai, aisa to thoda karna padta hai, I don't want to say all these but aisa thoda karna padta hai, sab log karte, so some person told me this, to maine bola yaar main to yaar I was very naive, too vulnerable like yaar meko to nahi samajh, because I was us time pe na kya hota, tumko paiso ki bhook nahi hoti, या तो तुम्हारे घर पे तुमको घर वाले खाना नहीं दे रहे, या तुम मतलब बुरे हाल पड़े कि नहीं नहीं मुझे पैसा चाहिए तो मुझे काम करना पड़ेगा। मैं आई वॉज़ वेरी चिल्ड, मैं मेरे माँ बाप मुझे तब देख रहे थे अच्छा, तो अनटिल अनलेस किसी की मजबूरी हो और ये लोग उसका फ़ायदा उठाते, लोग उस टाइम पे आई थिंक कास्टिंग काउच के वो निशाने बन जाते, बट तुम ऐसे किसी को बोलोगे जिसकी लाइफ सही चल रही है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा यार सीरियसली। So I had faced something like that and I quietly said no, very happily said no, and I had moved on. And then even that person had tried to get in touch with me, so I have just ignored it. Yeah. Like if you want to be clean, happily, if you want to understand my talent, then I'm happy to work. And modeling छोड़ के मुझे ऐसा कुछ वो भी नहीं है कि दुख हो रहा है मैंने क्यों छोड़ दिया, हाय रामा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ।